हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विकी क्रिएशन रिव्यू। मैं आपका अपना दोस्त विकी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन की न्यू हिंदी डब्ड मूवी कड़वा के बारे में। फ्रेंड्स, कड़वा 2022 के इंडियन मलयालम लैंग्वेज के एक एक्शन मसाला मूवी है, जिसके राइटर जीनू वी अब्राहिम और इसे डायरेक्ट किया साजी कैलाश ने, और इसके लीड रोल में फ्रेंड्स आपको पृथ्वीराज सुकुमारन, विवेक ओबराय, अर्जुन अशोकन, एलियंस बेजू और कला बाउन सजोन जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है, और एक बार इस मूवी को आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो इसकी जो स्टोरी है वो 90 के दशक में है, जो कि एक पाला नाम करके एक जगह होती है, वहाँ की एक घटना होती है, और वहाँ पर कड़वा कुनेल कुरिचन नाम करके एक बगीचे का मालिक होता है, जो कि एक बिजनेसमैन बोल सकते हो उसको। वो कुछ मामलों में पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है, और वह देश में हर किसी के लिए जाना जाता है, और इसके पिता ने अतीत में जो कुछ किया वह उसके सब सामने है। अब कुरियाचल जेल में क्यों है, आप जेल के अंदर उस पर हमला करने की योजना क्यों बना रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों जो कि कुरियाचल है उसके साथ में विवेक ओबरा जो कि पुलिस वाला होता है उसके साथ में उसकी जाति दुश्मनी हो जाती है, और व्यक्तिगत दुश्मनी में इन दोनों की जो भिड़ंत होती है, जो एक दूसरे से बदला लेना चाहते हैं, एक दूसरे का मार्केट करना चाहते हैं, वो उसमें देखने लायक बनता है। फ्रेंड्स, इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन की जो एक्टिंग देखने को मिलती है वो एकदम से सुपर्ब है, और उन्होंने कटवा कुंडल कुरियाचल की जो भूमिका निभाई है उनकी एक्टिंग बेहतरीन देखने को मिलती है। साथ ही साथ पृथ्वीराज ने एक डायलॉग डिलीवरी जो उनकी देखने को मिलती है वो शानदार ढंग से उन्होंने संभाला है, और साथ ही विवेक ओबराय की एक्टिंग भी उनमें आपको ज़बरदस्त देखने को मिलती है, और जितने भी स्पोर्टिंग कलाकार हैं उनकी भी एक्टिंग कमाल की है। फ्रेंड्स, ये फिल्म जो इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे दो लोग अपने बीच जो व्यक्तिगत लड़ाई हो जाती है उन समस्याओं से कैसे निपटते हैं, और डायरेक्टर ने बगैर इसकी परवाह किए कि दर्शकों को अपने साथ कैसे लेके जाएंगे वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। कहानी एक रोमांचकारी मूड में बदल जाती है, क्योंकि यह सभी एकदम सीमाओं को तोड़ देते हैं। जिस तरह की जो एक्शन देखने को मिलती है वह एक व्यक्तिगत लड़ाई बन जाती है, और पूरी फिल्म में एकदम आपके सामने एक्शन एक्शन और झटके पे झटका देखने को मिलता है, और इसे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि कैसे एक व्यक्तिगत जो दुश्मनी होती है वह एकदम सनक के अनुसार सनकी हो जाती है, और कानूनी व्यवस्था को एकदम अलग छोड़ दिया जाता है। फ्रेंड, जिस तरह से इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलती है वो कमाल के, बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुपर्ब देखने को मिलता है, और बहुत सारे लोग इस मूवी को एकदम से बेकार बता रहे हैं और टाइम पास बता रहे हैं, लेकिन आप इस मूवी को एक एंटरटेनमेंट के तरीके से एक बार देख सकते हो। गजब की स्टोरी, साथ में एक पृथ्वीराज सुकुमारन का जो एक्शन देखने को मिलता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज सुपर्ब देखने को मिलती है, और विवेक ओबराय के साथ में उनकी जो टक्कर है वो गजब देखने को मिलती है, और विवेक ओबराय की भी एक्टिंग कमाल की देखने को मिलती है। इस मूवी की जो एक्शन, BGM, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर सुपर्ब है, और एक बार इस मूवी को आप आराम से जरूर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, आगे जो नया अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।